अस्सलाम वालेकुम, मुझे आतिफ तौकी कहते हैं। इस खसूसी बैठक में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। कश्मीर का मामला ज़ाहिर है कुछ कोई नया नहीं है। पिछले 70 साल से ये एक ज़ख्म की तरह पाकिस्तान और भारत ही नहीं बल्कि ख़ास तौर पर कश्मीर के लोगों के लिए एक अज़ियत का बायस है। पाकिस्तान में भी इस पर एक राय पाई जाती है, हिंदुस्तान में भी इस पर एक राय पाई जाती है, मगर ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पर ये मामला कम कम ही ज़ेरे बहस आता है कि कश्मीर के लोगों की राय क्या है, कश्मीर के अपने दुख क्या हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 साल से कश्मीर का मसला तो ज़ेरे बहस रहा है, लेकिन कश्मीरियों का मसला कभी ज़ेरे बहस नहीं रहा। इस वक्त कश्मीर में कशीदगी की एक नई लहर है। भारत ने वहाँ अपने फ़ौजियों की तादाद बढ़ाने का भी फैसला किया है और वो तादाद बढ़ रही है, और साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से भारतीय दस्तूर में जो खुसूसी हैसियत के हामिल शिकें थीं उन पर भी अब बात हो रही है कि वो शिकें ख़त्म कर दी जाएँ। अगर ये शिकें ख़त्म हो जाती हैं तो कश्मीरी शहरियों को जो खुसूसी हैसियत हासिल है, यानी स्टेट सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, यानी कश्मीर के खित्ते में सिर्फ वही अमलाक या जायदाद ख़रीद सकते हैं, और उन जो हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से लोग हैं वो वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यही हैसियत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, यानी जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसमें भी है। गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क़याम के वक्त रियासत कश्मीर का हिस्सा था 70 की दिहाई में, उसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने ये स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया था, और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर जो बुनियादी शहरी थे उनको खुसूसी हैसियत फिर हासिल न रही। इस वक्त जो ताज़ा कशीदगी जारी है, इस पर श्रीनगर से तो हमारे रिपोर्टर, उनके साथ हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी और मैं कुछ देर में आप तक पहुंचूंगा, लेकिन हम खुसूसी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से सैयद मेहरान, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेहरान। जी वालेकुम सलाम। जी मेहरान, सबसे पहले ये बताइए कि कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इस कशीदगी की वजूहात क्या हैं? जी बड़े अफसोस के साथ आतिफ साहब ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर, जिसे आप वैली कहते हैं, कश्मीर वैली, वो इस वक्त बहुत ही इज़्तिराब वाली हालत में है। इस तरफ बहुत ज़्यादा बेचैनी और कशीदगी का माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर स्टेट को हासिल था, आप 26 अक्टूबर 1947 का जो एक्सेशन हुआ था महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माबेन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो एक्सेशन ये कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ होगा, लेकिन कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये थी कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, किसी तरह का भी कोई अमलाक या जायदाद जो है वहाँ वो खरीद की नहीं कर पाएंगे। दूसरा यह है कि इंडिया के दूसरे इलाकों से, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से लोग वहाँ नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस स्टेटस को एक आर्टिकल जो है वो 370 दफा 370 हिंदुस्तानी आइन के उसमें दाखिल किया गया। आज उस पर बात हो रही है कि उसको जो है वो एब्रोगेट किया जाएगा, उसको स्क्रैप किया जाएगा, जिससे जाहिर है कश्मीरियों का जो वो स्पेशल स्टेटस है और जो हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान जो एक्सेशन है, जिसकी जो बुनियादी वजह है वो वही आर्टिकल 370 है, उसको जो है ये एब्रोगेट करने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है फिर उसकी वजह यही है कि इस वक्त पूरे कश्मीर में पहले से आप जानते हैं, अगर आप आतिफ भाई को आपको मालूम हो तो 700,000 मिलिट्री ट्रूप्स इस वक्त मौजूद थे पहले से, और 100 कंपनीज इन्होंने और बढ़ा दिए हैं, अभी और भेज रहे हैं। तो ये कुल मिला के इस वक्त हालात जो है वो बहुत बुरे हो रहे हैं, और सुनने में यही आ रहा है कि आर्टिकल 370 जो दफा है उसे स्क्रैप किया जाएगा, उसे एब्रोगेट किया जाएगा। तो जाहिर है ये बहुत कशीदगी वाला माहौल बना हुआ है वहां पे। अच्छा मेहरान, आपने कहा कि भारत ये खुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म करना चाहता है, तो अगर भारत ये दफात ख़त्म करता है अपने दस्तूर में तो और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हो जाती है, तो इससे एक आम आदमी कैसे मुतासिर होगा? देखिए मामला ये है कि
आतिफ भाई सोचना ये पड़ेगा कि आप सबसे पहले ये देखें कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा किस किस वजह से है। उसी वजह से है जो 370 के तहत, 370 दफा के तहत आप उसको स्पेशल स्टेटस देते हैं। वो स्पेशल स्टेटस जब आप खत्म करते हैं तो दूसरे लफ्जों में कहने का ये पूरे मतलब पूरे तौर पे कहा जाना चाहिए कि फिर कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान से कोई वास्ता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के कश्मीर के जो आम लोग हैं, वहां के जो जाहिर है इकोनॉमिक कंडीशन है, वहां के इकोनॉमिक कंडीशन में दूसरे लोग उसका हिस्सा नहीं बन सकते, इसीलिए ये दफा उनको दिया गया। अगर कल को ये एब्रोगेट हो जाता है, जाहिर है आम कश्मीरियों की जिंदगी में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और लो हो जाएगी। जाहिर है वहां पे कंपनी सेटअप कर लेंगे, भारत के दूसरे इलाकों से बड़े लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे, तो वो जो चीज, वो जो स्टेटस स्पेशल उस स्टेट को है या दिया गया है, वो जाहिर है वो नहीं रहेगा। तो उससे आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, आपके और मामला जो है जिस तरह का आपका, मतलब जाहिर है आप पूरी तरह से तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल 370 एंड 35A। अगर उसकी वजह से अगर वही एब्रोगेट हो जाता है तो जाहिर है कश्मीरियों के तमाम जो वो खसूसी उनका जो उनको स्टेटस मिला है वो सारा खत्म हो जाता है। वो खत्म होता है तो उनकी उनकी बहुत सारी जो जिंदगी में जो जो स्टेजेस हैं उन पे उसका असर पड़ेगा। अच्छा मेहरान, जी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दफ़ा फिर कशीदगी बढ़ चुकी है। जी वहाँ गोलियाँ बरस रही हैं, वहाँ बम बरस रहे हैं। हम यहाँ सुन रहे हैं कि भारत की फ़ौज कश्मीर के अंदर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल कर रही है। जी आम जी कश्मीरी की ज़िंदगी इस कशीदगी की वजह से ज़रा शदीद मुतासिर होती है, और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जो झड़पें होती हैं। कश्मीर की तकसीम है ज़ाहिर है, उसमें ख़ानदान तकसीम हुए हुए हैं, यहाँ के लोग वहाँ अपने खित्ते में जा नहीं सकते। फिर पाकिस्तान और भारत की फ़ौजों के दरमियान जो कशीदगी है, ये कश्मीरियों के लिए कितने अजियत का बायस होती है और इससे कितना मुतासिर देखिए, है? जाहिर है ये आतिफ भाई आप भी जानते हैं, बहुत अहम मामला आपने मतलब सवाल रखा है ये मेरे सामने। बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितनी भी झड़पें होती हैं उसका नुकसान जो है वो वहां के आम लोगों को हो रहा है। आप अगर देखें मतलब पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है या जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है, वहां जो जब ये क्या कहते हैं सीज फायर वायोलेशन होता है तो उसका असर इतना बुरा पड़ता है लोगों पर कि आप देखें कि आम आम लोग कम से कम 10 12 15 लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, उसमें 4 5 लोग मर जाते हैं। तो जाहिर है वो सारे का सारा जो मामला, जो कशीदगियां इस तरह के बनती हैं मुल्कों के माबेन जो ये सीज फायर वायोलेशन होता है, उससे आम लोगों की, आम शहरियों की, आम देहाती लोगों की जिंदगियां जो है वो खराब होती हैं। मैं एक इंटरव्यू परसों देख रहा था किसी एक देहाती का, रजौरी पुंछ बॉर्डर एरिया पे जब सीज फायर वायोलेशन हुआ तो उसने कहा कि मेरे तीन तीन बच्चे नहीं रहे, और सिर्फ इस वजह से कि वहां सीज फायर वायोलेशन हो रहा है। तो इस वक्त चूंकि ये बहुत ही, इस वक्त बहुत ही कशीदगी का माहौल है, बहुत अफसुर्दगी का माहौल है। मैं घर पर बात कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि इतनी ज्यादा आर्मी फैला दी गई है और इतना ज्यादा उन्होंने मतलब सख्त कर दिया है, सख्तियां शुरू कर दी हैं कि मतलब बताया नहीं जा सकता है। तो उसका असर जाहिर है वो इंसान जो 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 आम शहरी हैं, जो आम लोग रहने वाले हैं, उनकी जिंदगियों जिंदगियों पर पड़ रहा है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं। मैं कल देख रहा था कि जितने भी वो टूरिज्म के लिए जो जो टूरिस्ट वहां गए हुए थे उनको भी वापसी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वापसी के लिए कह दिया कि आप वापिस आ जाइए। तो कुल मिलाकर के आप ये कर क्या रहे हैं, आप वहां के लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं। तो उस अजियत पहुंचाने से हो क्या रहा है कि मतलब जो मेरे जहन में बात आती है, जो आम कश्मीरियों को चूंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आई रिप्रेजेंट बेसिकली द मेजोरिटी ऑफ द मॉसेस ऑफ कश्मीर, और मेरा मामला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले से एक डिसकंटेंट लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में डिसकंटेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है, उसको आप और हवा दे रहे हैं। और ये जो सिमरिंग डिसकंटेंट है दिस विल डेफिनेटली बर्स्ट आउट इनटू समथिंग रियली डिमोलिशिंग एंड रियली डिस्ट्रक्टिव, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब का असर जो है वो जाहिर है आम लोगों पर पड़ रहा है, आम लोगों की जिंदगियां जो तबाह हो रही हैं और आम लोगों के जो मामलात हैं उन पर उसका असर पड़ रहा है। जी अच्छा, बीजेपी और मोदी सरकार इस दफ़ा बहुत भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने में जी कामयाब हुई है, और हिंदू इंतहा पसंदी का एक रुझान है जो मुसलसल हिंदुस्तान में जी तरवीज पा रहा है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है हिंदुस्तान में अकलियतें और खुसूसन मुसलमान उस अजियत का शिकार हैं। आप ख़ुद नई दिल्ली में रहते हैं, आप ख़ुद देखते होंगे कि किस अंदाज़ की तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। तो हिंदुस्तान में इन तब्दीलियों की वजह से
मुसलमानों की ज़िंदगियां और ख़ास तौर पर जो दीगर अकलियतें हैं उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ रहा है और कितनी तब्दीली पैदा होती जा रही है, और अगर ये मामला चलता रहा तो और क्या जी होगा? आतिफ भाई, मामला ये है कि फुल मेजोरिटी के साथ इस बार मोदी गवर्नमेंट आई है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो तब उन्होंने एनडीए के साथ, मतलब जाहिर अलायंस में वो लोग आए थे। इस बार उनको 272 सीटें हमारे यहाँ चाहिए होती हैं, लेकिन उन्होंने इस बार 303 सीटें लाई। जाहिर है वो एक फुल मेजोरिटी के साथ आए हैं। उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल अभी पास किया है, उन्होंने अभी आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया है, उन्होंने अभी जो एंटी टेरर बिल को पास किया है। जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जो आपने कहा कि राइट विंग का जो इस वक्त राइज हो रहा है, मेरे ख्याल से आतिफ भाई आप ये जरूर मानेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त राइट विंग जो है वो जबरदस्त तरीके से राइज कर रही है। अब अमेरिका अमेरिका की बात कर लीजिए, आप मुल्क की दुनिया के दूसरे मुल्कों की बात कीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि राइट विंग जो है वो अपने राइज पर है इस वक्त। यहाँ हिंदुस्तान में मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पर हिंदुस्तान में अकलियतों में जो भी हैं, चाहे आप सिखों की बात कर लीजिए, दलितों की बात कर लीजिए, आप देखेंगे कि दिन ब दिन जो है कशीदगी और दिन ब दिन अफसुर्दगी का माहौल बढ़ रहा है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं अभी कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की बात कर रहा हूँ, जहाँ यूपी इसका हार्ट बेल्ट है, बिहार हुआ, या आप राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, रेप केसेस हो रहे हैं। हजरत आप अंदाजा लगाइए कि रेप केसेस हो रहे हैं, बीजेपी के मिनिस्टर्स जो मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं रेप करने वालों के हक में उतर कर रैलियां निकाल रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का एक माहौल यहां बना हुआ है। हर रोज तीन चार लोगों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को बाजाबता दूसरे, मतलब हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में, यूपी बिहार में मुसलमानों को बाजाबता कहा जा रहा है। आप जय श्री राम के नारे लगाइए, अगर आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। और ऐसे केसेस हर रोज हो रहे हैं, दो तीन लोगों को मार दिया जा रहा है और बुरे तरीके से मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो जय श्री राम नहीं कह रहे हैं। तो आप ये देखें कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में ये हाल हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से राइज पर है, उनको लग रहा है कि एक वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, जो हिंदुइज्म का जो आई शुड नॉट से हिंदुइज्म बट आई शुड से हिंदुत्व, द एक्सट्रीम हिंदू आइडियोलॉजी दैट कम्स फ्रॉम सावरकर एंड ऑल, वो जो इनके बड़े बड़े आरएसएस के लोग हैं या ये विश्व हिंदू परिषद वगैरह के लोग हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली आइडिया ऑफ इंडिया पर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? आइडिया ऑफ इंडिया ये था, जाहिर आप इसको बेहतर तरीके से जानते भी हैं, कि आइडिया ऑफ इंडिया ये था कि पूरी की पूरी जो यहाँ पर हमारे डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, ये बड़े म्यूचुअल एग्जिस्ट करते थे, इनमें को एग्जिस्टेंस का वो था, इनमें फ्रेटर्निटी का एक जज्बा था। उस फ्रेटर्निटी के जज्बे को, उस म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के जज्बे को, उस को एग्जिस्टेंस के जज्बे को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जज्बे को, जाहिर है ये जो राइट विंग फोर्सेस की जो आइडियोलॉजी है ये उसको ओवरकम कर रही है। दिन ब दिन जो है लोगों के अंदर वो एक्सट्रीम हिंदुत्व वाला जो वो जो सोच है, वो जो फिक्र है, वो उसको जो हवा मिल रही है, और जाहिर है इसका बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है और उसका नुकसान आपके जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जाहिर है आप ये जानते हैं कि डेमोग्राफी जो है, जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, वहां पर जाहिर है मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है, और दूसरे लोग जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, जाहिर है हिंदू हैं, सिख हैं, वो अकलियत में है वहां पर। उसको जाहिर है इनके इनकी नजर में वो भी है, उसकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए 370 को जो है वो छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग वहां जाकर फंसे और कुछ मामला इस तरह का बने कि डेमोग्राफी चेंज हो उसकी। तो ये कुल मिला के मैं जो बताने का मकसद, जो बात बताने का मकसद है आतिफ साहब, वो ये है कि ये सारे का सारा हिंदुस्तान इस वक्त इस मामले से, इस बात से दोचार हुआ हुआ है कि राइट विंग फोर्सेस जो हैं वो पूरे तरीके से जो है वो हिंदुस्तान। तो सिविल सोसाइटी क्या कर रही है इस वक्त, सिविल सोसाइटी का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, सिविल सोसाइटी की आवाज ये है कि अब सिविल सोसाइटी की आवाज उठाने के लिए होता है मीडिया। हजरत मीडिया उसकी आवाज को उठाता है, उस आवाज को बुलंद कराता है, लोगों के सामने लाता है, पॉलिटिशियंस की असलियत। लेकिन अब तो कोई ऐसा कहता है तो उसको कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, आप बेवतन ही नहीं है, एंटी एंटी नेशनल का उसको दब्बा लग जाता है, उस पर एंटी नेशनल का दब्बा लग जाता है। शुक्रिया मेहरान, हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं बिलाल भट्ट, उनसे बात करते हैं कि वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। बिलाल, ताजा तरीन पहले तो सूरत हाल बताइए। सूरत हाल यही है कि बहुत टेंशन है लोगों में,
मतलब लोग जो है बड़े परेशान हैं, कुछ दिनों से मतलब ट्रूप डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है और वहां से अफवाह भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हम लेके चले कि आर्टिकल 370 35A को खत्म करने की कोई साजिश है, या ऐसे भी रूमर्स है कि यासीन मलिक जी जो है वो शहीद हुए हैं, कुछ सो अफवाहें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि हाँ, लेकिन यासीन मलिक के तो वकील ने कह दिया कि वो बखैरियत हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ अफवाह ही थी, लेकिन अफवाहें यकीनन जी मैं उसी पे आ रहा था कि अफवाहें हैं, लेकिन बात बात कुछ ना कुछ तो है। जिस तरीके से मतलब ये कर्फ्यू पासिस के लिए मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि मेडिकल अपने आप ये कर्फ्यू पासिस आप कलेक्ट कीजिए, और जिस तरीके से भी इंटरनेट बंद हो गया है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा, कुछ कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच रही है। तो ये यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्ल्यूलेस है, यहाँ के पॉलिटिशियंस क्ल्यूलेस है, यहाँ का गवर्नर जो है वो भी क्ल्यूलेस है। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पे भी अभी फ्लेयर अप हो रहा है, बॉर्डर पे भी फाइट हो रही है और ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रही है, आर्टिलरी। तो कितने कितने आप विजिबिलिटी कितनी देख रहे हैं फौज की सड़कों पर? देखिए अभी जो हमारी मतलब NIT जो में स्टूडेंट्स है उनको इवैक्यूएट किया गया, वहां पर ट्रूप्स हैं, ट्रूप प्रेजेंस ऑब्वियसली बढ़ रही है, सोपोर नॉर्थ कश्मीर से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखने को आ रही है। इसीलिए लोगों का जो खौफ है वो जाहिर है क्योंकि ये चीजें हो रही है, और यहाँ से अगर अफवाही भी है तो उसके साथ साथ ये चीजें भी हो रही है जिनके बुनियाद पे अफवाही, मतलब इट लुक्स लाइक इट दिस इज अ रियलिटी, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अच्छा, हमने सुना था कि मजीद मजीद फौजी तैनात किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, रैपिड एक्शन फोर्स भी बुलाया गया है। कुछ जो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कह रही है कि या तो ये स्टेट को डिवाइड करेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना देंगे, तो एक तो ये और दूसरा ये भी है कि ये शायद जंग छेड़ेंगे पाकिस्तान के साथ ताकि उनको बैकफुट पे लाए और यहाँ से कश्मीरी की जो आवाज है उनको क्रश करे और 35A को खत्म करे, यूनियन टेरिटरी बनाए, तो कहीं ना कहीं किसी हर एक एंगल से ये कंटेन करना चाहते हैं कश्मीर, जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश है। अच्छा, कितना खौफ है आम कश्मीरियों में और खासतौर पर वादी में? नहीं, एक बात मैं आपसे कहूँ कि जो कश्मीरी कौम है बड़ी रेजिलेंट कौम है, खौफ कहना तो पहले ही आर्मी मतलब लाखों की तादाद में आर्मी यहाँ पर है, खौफ नहीं है, बस अनसर्टेनिटी है, केओस है कि क्या होने वाला है, मतलब ये है खौफ तो कश्मीरियों में, मतलब ये चीज तो मर गई है क्योंकि दिन दाड़े जो डेली बेसिस पे जो वायलेंस हो रहा है उस बुनियाद पे कश्मीरी लोग बड़े बहादुर कौम है तो इन चीजों के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार जो अनसर्टिनिटी है और जो केओस है और उसके बाद जो रिपरकशंस होगी उसके लेके कश्मीरी लोग क्या कंसर्नड है क्या होने वाला है। अच्छा, ये बताएं कि अभी हमने देखा था कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं, पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं कि लोग खुराक स्टोरेज कर रहे हैं, पेट्रोल और ईंधन स्टोरेज कर रहे हैं, तो क्या वजहवात हैं इसकी? नहीं, ऑब्वियसली लोगों को जाहिर है कि जो ऐसे इंडिकेशन वॉर लाइक सिचुएशन है तो कर्फ्यू अगर ये प्रोलॉन्ग करेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, तो ईंधन इसीलिए पहले ही ये लोग स्टोर कर रहे हैं ताकि कल को कोई इमरजेंसी होगी तो जाहिर काम आएगी, या इंजर्ड होगा बीमार होगा उसके लिए कश्मीर लोग हमेशा तैयार रहे हैं, तो ये मतलब मामूल रहा है कश्मीर में, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कश्मीरी लोग ये करते थे, मतलब जो फूड फूड है उसको स्टोर करते थे, इनको पता है कि ये कर्फ्यू अगर कुछ बड़ा किया उन्होंने मे भी 5 महीने 6 महीने भी इस पे पहले कर्फ्यू रहा है, तो इन चीजों के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहा है कि वहां पर कोई और ऐसे हमने अहकाम भी देखे हैं हुकूमत की तरफ से जारी हुए हैं वो, जिनमें कह रहे हैं कि
कुछ दहशत गर्द हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन होना है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट असल में ये इस अंदाज की अनसर्टनिटी खुद क्रिएट कर रही है ताकि ऑपरेट करने का या फौज को कार्रवाई करने का मौका फराहम किया जाए? देखिए, मे भी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी अफवाहें हैं कि जो पुलिस स्टेशन है उनको आर्मी के अंडर किया जाएगा। मतलब ये भी एक अफवाह थी, ये सच है कि झूठ है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये अफवाहें हैं कि ऐसी चीज होने को है। तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो मिलिटेंसी मतलब मिलिटेंसी को कंटेन करने के लिए थे कि टारगेट सिविल पॉपुलेशन, या ये जैसे इन्होंने पंजाब में किया जेनोसाइड किया, तो जेनोसाइड का भी मतलब ये एक फियर है, क्योंकि गिलानी साहब ने भी इससे पहले जो स्टेटमेंट जारी किया था वो अपील की थी कि कश्मीरी को आप मतलब पूरे उम्मती मुस्लिम को ये, हालांकि वो तो हमने हमने देखा था, वो मालूम चला कि वो तो अफवाह थी क्योंकि गिलानी साहब का तो ट्विटर अकाउंट नहीं है। बिल्कुल, ये उन्होंने वाजे किया था कि ये उनका ट्विटर अकाउंट नहीं है, यह एक अफवाह थी, बट कहीं ना कहीं वो मैसेज जो थी ना उसमें कुछ मतलब रियलिटी कुछ हकीकत है, मतलब उस मैसेज में कुछ हकीकत थी। अच्छा, अब आप आखिर में ये बता दीजिए, आखिर में ये बता दीजिए कि जो हुर्रियत रहनुमा हैं या जो अलहदगी पसंद रहनुमा हैं यासीन मलिक वगैरह, उनके सपोर्टर्स किस तरह से रद्दअमल उनका है? क्या वो सड़कों पर हैं? क्या वो मुजाहरों की कुछ ऐसी ऐसी शुनीद है? क्या क्या प्रोटेस्ट हो सकते हैं? अगर और अगर होते हैं तो क्या किस तरह के रिस्पॉन्ड कर सकती है भारतीय हुकूमत? देखिए, मैं आपको पहले ये आपसे कहूँ कि 2016 से जो हुर्रियत एक्टिविस्ट थे या JKLF के जो एक्टिविस्ट हैं सारे जेल में हैं, ठीक है ना, सारे जेलों में बंद है, यहाँ तक कि यासीन मलिक जो इनका सुप्रीम लीडर है वो भी जेल में है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कहना कि उनके एक्टिविस्ट, मुझे नहीं लगता है कि उनके एक्टिविस्ट ज्यादा बाहर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एक्टिविस्ट आर इन जेल, सो इट विल बी प्रीमैच्योर टू से कि यस लोगों की तरफ से रिएक्शन रहेगा ऑब्वियसली, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इतना फौज ला रही है, इतना ये सब कुछ कर रही है ऑब्वियसली, बिकॉज पीपल मतलब ही इज अ पॉपुलर लीडर, पीपल सपोर्ट हिम, तो कहीं ना कहीं उस एंगर को दबाने के लिए ये मतलब इस जो रैपिड एक्शन फोर्स है या कुछ भी पुलिस है ये इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। अच्छा, बिलाल हमारे साथ थे नाजरीन, और बिलाल से हम बात कर रहे थे कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, जो वहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो ये बात चल रही है कि कश्मीर का को दस्तियाब खसूसी हैसियत भारतीय दस्तूर के मुताबिक उसे ख़त्म किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो रद्दअमल यकीनन हो सकता है, और उस पर भारत की जानिब से पहले ही 7 लाख फ़ौज वहाँ मौजूद थी, अब और वहाँ मज़ीद फ़ौज तैनात की गई है, साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात शदीद हैं। कश्मीर में बेचैनी की और ख़ासतौर पर वादी में बेचैनी की सूरत हाल ये है कि वहाँ लोग खुराक ज़खीरा कर रहे हैं, ईंधन ज़खीरा कर रहे हैं कि किसी सूरत में उनकी बका वो कायम रहे, और वो अगर कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाती है तो उसका वो मुकाबला कर सकें। वहाँ से ये इतलात भी हैं कि कई जगहों पर इंटरनेट की सहूलत और टेलीफोन की सहूलत वो ख़त्म हो हुई है या उसकी रसाई महदूद कर दी गई है। उसी तरह ये खबरें भी हैं कि वहाँ कर्फ्यू लग सकता है मुख्तलिफ मकामात पर। तो ये एक गैर यकीनी सी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है भारत में। आपने देखा कि मोदी सरकार जितनी भारी अक्सरियत से वो इकतदार में आई है, उसके साथ ही वहाँ पर अकलियतों पर दबाव में भी इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर कश्मीर में जो बयानिया था कश्मीर के हवाले से भारतीय हुकूमत का, वो भी माजी के मुकाबले में बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। जो वहाँ पर आम हालात में मजालिम हैं उनकी तफसीलात तो ज़ाहिर है हम सब तक पहुँचती ही रहती हैं, वहाँ पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो या वो दीगर अमूर हों, या वहाँ पर आम शहरियों के साथ ज़्यादती और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती और इस तरह के वाक़ियात हों, लेकिन अब हालात ये हैं कि वहाँ एक ख्याल है या एक 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 अफवाह है या किसी हद तक ये खदशा है या खौफ है कि कोई बड़ा ऑपरेशन भारतीय हुकूमत कर सकती है या फौज कर सकती है। देखना ये होगा
कि बैन अल-अक़वामी बरादरी और जो जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं या जो दीगर सिफारती ज़राए हैं वो इस पर ऐसे किसी वाक़े पर क्या रद्दअमल देते हैं और भारत की सिविल सोसाइटी इस मौके पर क्या करती है। ये बहुत अहम होगा कि जब तक भारतीय सिविल सोसाइटी वो खड़ी नहीं होगी ऐसे किसी खूनरेज वाक़े की रोकथाम के लिए या जो कश्मीर को दस्तियाब खसूसी हैसियत है उसकी बका के लिए, उस वक्त तक मेरी निगाह में ये हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस कश्मीर के मौजू पर मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से हम गुफ्तगू करें और कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पर श्रीनगर और वादी के जो दीगर इलाके हैं वहाँ से लोगों को शामिल किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चाहता था कि इस मौजू पर बात हो। उम्मीद है कि आज की हमारी बात और नशिस्त वो एक तफसीली नशिस्त रही होगी और आपकी बहुत सारी जो सवालात हैं उनके जवाब आपको इसमें मिल गए। अपना ख्याल रखिएगा, कोई आपकी राय हो या तबसरा हो तो वो ज़रूर हम तक पहुँचाइए। शुक्रिया।